we are going to learn about emotional intelligence. The concept of emotional intelligence is given by Daniel Goleman in 1995. It can be denoted by EI or EQ. EI, emotional intelligence, EQ, emotional quotient. Goleman key definition. Goleman defined emotional intelligence as understanding one's own feeling, empathy for the feeling of others, and the regulation of emotion in a way that enhances living. Goleman ने emotional intelligence को किस तरीके से बताया है कि जब हमारे दिल में दूसरों के लिए फीलिंग्स हो, empathy हो, हम अपने empathy का मतलब होता है कि putting oneself in other's shoe, हमको दूसरों की जगह पे रखकर देखना, और one own feeling means self awareness and self assessment, potentials, positive and negative points, self realization, empathy for feeling of others, knowing the feeling of others. Empathy means for the feeling of others, knowing the feeling of other. Empathy means keeping yourself in the place of other and expressing those feeling for others who is silent. मतलब अपनी किसी और की जगह पे अपने आप को रखना और फिर उसकी feelings को feel करना. Regulation of emotions. EI was, what is EI here? Yes, it is emotional intelligence. EI was accepted by people and it was over emphasized over general intelligence. Emotional intelligence जो है लोगों से लोग उसे accept करते हैं और उसे over emphasize करा जाता है, मतलब उसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मिलती है जनरल इंटेलिजेंस से. जनरल इंटेलिजेंस आर गॉड गिफ्टेड इनहेरिटेंट. जनरल इंटेलिजेंस जो होती है वो हमें गॉड की तरफ से मिली हुई होती है, और इनहेरेंट मतलब वो पैदाइशी हमारे अंदर होती है या फिर हमारे एंसेस्टर्स से हमें मिली होती है. इमोशनल इंटेलिजेंस, इट कैन बी इंक्रीज बाई मैनेजिंग द सिचुएशन. इमोशनल इंटेलिजेंस मोर इम्पॉर्टेंट फॉर पर्सनल सक्सेस देन आई क्यू. और हमारे पर्सनल सक्सेस के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस. अनलाइक आई क्यू, ई आई कैन बी इम्प्रूव्ड. आई क्यू इम्प्रूव नहीं की जा सकती, बट इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो इम्प्रूव करी जा सकती है. द फाइव मेजर एरियाज डोमेन्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, और जो फाइव मेजर एरियाज हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के क्या क्या हैं? नो योर इमोशंस, मैनेज योर इमोशंस, रिकग्नाइज एंड नो अदर इमोशंस, मैनेज द इमोशंस ऑफ अदर, मोटिवेट योर सेल्फ. दीज डोमेन आर फर्दर कैटेगराइज इन टू डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज. फर्स्ट वन इज सेल्फ अवेयरनेस, नोइंग वंस ओन इमोशन. हमें अपने इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए. इट हैज थ्री कॉम्पिटेंस. Emotional self-awareness, heading one's own emotion and recognition its impact, accurate self-assessment, knowing one's strength and limitation, self-confidence, a sound sense of one's own worth and self-capacities. And second one is self-management and managing emotion. इसमें self-awareness हमारे खुद के बारे में हमें पता होना, self-management कि हमें अपने आप को कैसे manage करना है. इमोशनल सेल्फ कंट्रोल एंड कीपिंग डिस्ट्रप्टिव इमोशंस अंडर द कंट्रोल लाइक एंगर. अब इस तरह के जैसे हमें गुस्सा आ रहा है या इस तरह की कोई भी इमोशंस है, तो उसको हम ऐसी सिचुएशन में कैसे कंट्रोल करके रख सकते हैं? ट्रांसपेरेंसी, डिस्प्लेइंग ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ट्रस्ट वर्दीनेस. हम कितने ट्रांसपेरेंट हैं, ऑनेस्टी, इसमें जितनी भी हमारे सच्चाई और इस तरह की क्वालिटीज आ जाती हैं. Adaptability means flexibility in adapting to changing situation. नई situation में हम कैसे react कर रहे हैं और overcoming obstacle. Then there come achievement is the drive to improve performance, to meet inner standard of excellence. Then initiatives, readiness to act and see opportunities. खुद से initiative लेना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना और अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ना. ऑप्टिमिज्म,
सेल्फ मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट इट इज टू थिंक द पॉजिटिव सीइंग द अपसाइड सोशल अवेयरनेस रिकॉग्नाइजिंग एंड नो अदर्स इमोशन अंडर द थर्ड डोमेन एज वी आर लर्निंग अबाउट द डोमेन्स हेयर कम्स सोशल अवेयरनेस एंड रिकॉग्नाइजिंग अदर्स इम्पॉर्टेंस मतलब सोशली हम कितने अवेयर हैं और दूसरों के लिए हमारे क्या इमोशंस हैं तो फर्स्ट वन इज एम्पैथी एम्पैथी मैंने बताया था अभी कि अपने आप को दूसरों की जगह पे रख कर देखना सेंसिटिव अदर्स इमोशन अंडरस्टैंडिंग देयर पर्सपेक्टिव टेकिंग अचीवमेंट इन दी कंसर्न ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस हम टीम वर्क कैसे करते हैं इट इज अ वर्क प्लेस एसोसिएटेड एक्वायर्ड सक्सेस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन रीडिंग द करेंट डिसीजन नेटवर्क्स एंड पॉलिटिक्स एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल सर्विस रिकॉग्नाइजिंग अ मेल्टिंग मीटिंग फॉलोअर्स क्लाइंट और कस्टमर नीड कैसी सर्विस प्रोवाइड हो रही है एंड फोर्थ वन कमिंग टू द फोर्थ वन मैनेज द इमोशंस ऑफ अदर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हमारा मैनेजमेंट स्किल कैसी है इंस्पिरेशनल लीडरशिप गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग विद अ कंपेलिंग विजन बी इन्फ्लुएंस कितना हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वाइडनिंग अ रेंज ऑफ टैक्टिक्स फॉर पर्सुएशन एंड सी डेवलपिंग अदर्स टू फॉस्टर हमें पहले से पता करना अदर्स एबिलिटी थ्रू फीडबैक एंड गाइडेंस रेगुलरली चेंज टू स्प्रेड अप द प्रोसेस कैटलिस्ट चेंज एक कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा वन शुड एक्ट लाइक एंड मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली mutually managing leading in a new direction conflict management resolving disagreement and building bonds teamwork and cooperation and last one is motivate yourself apne aap ko motivate karke rakhna so here comes the end of our video if you like this and you are able to understand please like share and subscribe thanks for watching